नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस ने निकाली रिक्तियां। पटना के राजीव नगर अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक। जमीन का विवरण अपडेट ना होने पर नहीं कर सकेंगे आवेदन। सुशांत के एक्स फ्लैटमेट सिद्धार्थ पठानी को मिली जमानत। आसानी से चेक करें 10वीं परीक्षा के परिणाम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस ने निकाली रिक्तियां। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस ने आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क 12वीं परीक्षा 2022 के तहत क्लर्क के कुल मिलाकर 6,035 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर ऑपरेशन में स्नातक और सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। पटना के राजीव नगर अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक। बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने पर इन दिनों एक के बाद एक काम हो रहा है, जिसके बाद ही पटना के राजीव नगर के लोगों को बड़ी राहत बीते दिन हाईकोर्ट ने दे दी है, जहां पर हाईकोर्ट ने राजीव नगर में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में 6 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बीते दिन जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे गिरफ्तार लोगों को भी छोड़ने का आदेश दिया गया है। सीएम नीतीश ने सुनी इतने फरियादियों की फरियाद। हर सोमवार की भांति बीती सोमवार को भी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने जनता दरबार का आयोजन किया, जहां पर ही उन्होंने अपने पास आए कुल मिलाकर 89 लोगों की फरियाद सुनी, जिसकी आधिकारिक जानकारी आईपीआरडी विभाग की तरफ से जारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई की। इस दौरान ही कई फरियादियों की फरियाद उन्होंने सुनी और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इस साल से बिहार में शुरू हो जाएंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के तहत गांव-गांव तक लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कराने में बिहार की नीतीश सरकार लगी हुई है। इसी के तहत अब लोगों को अपने ही जिले और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसको लेकर हर जिले में अब एक एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना होने वाली है। इसी साल दिसंबर तक बिहार में 2 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू होने वाले हैं। इससे जहां मरीजों को तत्काल लाभ पहुंचने वाला है, तो वहीं एमबीबीएस की करीब 250 सीटें भी बढ़ने वाली है। योजना के अनुसार एक कॉलेज सारण और दूसरा समस्तीपुर में खोला जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की माने तो इस साल एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नवंबर, वहीं दूसरा अस्पताल दिसंबर में शुरू होगा। सरकार ने अब इस साल के शुरू में ही हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की योजना को मंजूर किया था। जमीन का अधिग्रहण अपडेट नहीं होने पर नहीं कर सकेंगे आवेदन। बिहार में समय के साथ ही जमीन के जमाबंदी को लेकर सरकार नियमों में ढिलाई का काम बर्दाश्त नहीं कर रही है। इसी बीच अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी को रोकने के लिए और अपात्रों की छटनी करने के लिए आवेदनों की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके बाद ही अब योजना में वही रैयत किसान पात्र माने जाएंगे जिनका जन्म 1 फरवरी 2001 से पहले हुआ है। इतना ही नहीं, नए आवेदन ही नहीं, आवेदन खारिज होने के बाद पुनर्विचार के लिए भी अब नई व्यवस्था में ही आवेदन लिए जाएंगे। रैयत किसान के पास जमाबंदी का होना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आवेदक को अपनी जमीन का विवरण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के डेटाबेस में अपडेट करना होगा। कृषि निदेशक ने सभी डीएम, अपर समाहर्ता अंचलाधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। बिहार सरकार को चलाने वाले पावर कॉरिडोर में बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का दबदबा। बिहार सरकार को चला रहे पावर कॉरिडोर, जिसको आप आम भाषा में IAS IPS लॉबी भी कह सकते हैं, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का जबरदस्त दबदबा देखने को मिल रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्तमान समय में बिहार कैडर के 179 IAS और 186 IPS अधिकारी संभाल रहे हैं। इनके गृह राज्य को देखें तो IAS के 179 अधिकारी में 118 यानी लगभग 2/3 अधिकारी बिहार, 79 और यूपी 39 के हैं। IPS में तो ये संख्या 2/3 भी अधिक है। बिहार में सेवा दे रहे IPS अधिकारियों में बिहार के बाद यूपी मूल के 37, झारखंड मूल के 11, पंजाब मूल के 10 और राजस्थान मूल के 8, दिल्ली और तमिलनाडु मूल के 7-7, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र मूल के 6-6, हरियाणा मूल के 5, ओडिशा और हिमाचल मूल के 2-2, जबकि कर्नाटक, उत्तराखंड, बंगाल और जम्मू कश्मीर मूल के 1-1 अफसर शामिल। आसानी से चेक करें 10वीं परीक्षा के परिणाम।
सीबीएसई के 10वीं की परीक्षा का परिणाम अब कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि अब बोर्ड ने कॉपियों का मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब बस इंतजार है तो रिजल्ट जारी करने का। इसको लेकर हाल ही में सीबीएसई ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से रिजल्ट जारी करने के लिए समय की मांग की थी। इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन छात्र रिजल्ट जारी होते ही तुरंत अपना रिजल्ट सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in या फिर cbseresults.nic.in या parikshasangam.cbse.gov.in पर जाकर आसानी से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिहार में कमजोर हुआ मॉनसून। बिहार में मॉनसून की सक्रियता अब कम होने लगी है। प्रदेश के दक्षिण के जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पिछले दो दिनों में एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बिहार में मॉनसून की सक्रियता कम हो गई है। हालांकि उत्तर और पूर्व के बिहार में इन दिनों बारिश हो रही है, जिसके कारण प्रदेश के ज्यादातर नदियां उफान पर है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर प्रदेश में बारिश नहीं हुई तो कई जिलों में एक बार फिर से गर्म हवाओं का प्रवाह देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अब तक उत्तर बिहार में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है, वहीं दक्षिण बिहार में इन दिनों कम बारिश दर्ज की गई। सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क के एंट्री नहीं। कोरोना के मामलों में बिहार समेत देशभर में हो रही बढ़ोतरी के बीच अब एक बार फिर से बिहार में नियमों को सख्त कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों से कोरोना के आ रहे मामलों को देखते हुए अब बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में जाने वाले कर्मचारियों के नियमों में बदलाव कर दिया गया, जिसके तहत जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करे कि कार्यालय में बिना मास्क का प्रवेश वर्जित है, बेवजह भीड़ कहीं इकट्ठा न हो इसका भी ध्यान रखा जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। सार्वजनिक जगहों पर लापरवाही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो कोरोना को रोकना मुश्किल हो जाएगा। सुशांत के एक्स फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को मिली जमानत। बिहार से निकले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के एक्स फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को बीते दिन बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत ही सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दे दी गई। सिद्धार्थ पिठानी को एक्टर की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ही सिद्धार्थ को जस्टिस भारती डांगरे ने 50,000 रूपये का निजी बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत का आदेश जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान में न्यायिक हिरासत में पिठानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल 28 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दो बार जमानत याचिका लगाई, जो कोर्ट ने खारिज कर दी थी। फिर सिद्धार्थ ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद अपनी तीसरी जमानत याचिका को खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद ही उन्हें अब राहत मिली है। बिहार में करीब 8 लाख विद्यार्थियों को चाहिए फौज में नौकरी। बिहार में बड़ी संख्या में युवाओं को फौज में नौकरी का शौक चढ़ा है। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि बिहार करियर पोर्टल पर आए आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ है। जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार करियर पोर्टल पर 9 अगस्त 2019 से 19 जून 2022 तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 14.5 लाख बच्चों ने सर्च किया। इसमें 7.84 लाख यानी कि लगभग 56% बच्चों ने सेना और अर्धसैनिक बलों की नौकरियों से जुड़ी वेबसाइट सर्च की है। करियर पोर्टल से जुड़ी आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 27% बच्चों ने शिक्षक की नौकरी के लिए पोर्टल को सर्च किया है। वैशाली के कोरोनेशन टैंक या अभिषेक पुष्करणी में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वैशाली संग्रहालय के सामने एक सुंदर झील है, जिसे कोरोनेशन टैंक या अभिषेक पुष्करणी के रूप में जाना जाता है। फूलों के पेड़ों और झाड़ियों से घिरा जलाशय का पानी पुराने दिनों में पवित्र माना जाता था, और ऐसा माना जाता है कि इस गणराज्य में जब कोई नया शासक निर्वाचित होता था तो उनको यहीं पर अभिषेक करवाया जाता था। द्रौपदी मुर्मू आज आ रही है बिहार। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज बिहार पधार रही हैं। उनके आगमन को लेकर बीते दिन से ही राजधानी पटना में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना पहुंचने के बाद वो बिहार के सांसदों और विधायकों से अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर उनसे समर्थन भी मांगेंगे। उनके पटना आगमन को लेकर भाजपा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उनके कार्यक्रम का पूरा जिम्मा बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा को दिया गया है। खबर के अनुसार द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को विशेष विमान से सुबह 10 बजे पटना पहुंचेगी। पटना एयरपोर्ट से वो हार्डिंग रोड स्थित बिरसा मुंडा के प्रतिमा स्थल पर जाकर माल्यार्पण करेंगी। इसके बाद होटल मौर्या में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां वो एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगी। भाजपा में शामिल नहीं हुए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह।
बीते दिन मीडिया में उस वक्त ऐसी खबरें आंधी की तरफ फैलने लगी जब आरसीपी सिंह भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसके बाद से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अब सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। एक मीडिया हाउस ने यह दावा किया है कि आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल नहीं हुए, वो हैदराबाद एक कमेटी की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे। इससे पहले एक खबर थी कि सिंह ने हैदराबाद में भाजपा की कार्यकारिणी में भी हिस्सा लिया है और वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यह समाचार पूरी तरीके से भ्रामक है कि आरसीपी सिंह भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए थे। तेजस्वी ने दी लालू यादव की हेल्थ अपडेट। सीढ़ी से गिरे लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर लगातार मीडिया में कई तरीके की खबरें आ रही हैं। इस बीच अब खुद तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर अपडेट जारी किया है, जिसके तहत ही तेजस्वी यादव ने सोमवार दोपहर में बताया कि लालू की तबीयत अब स्थिर है, डॉक्टरों ने उन्हें रिलीज कर दिया है। लालू यादव रविवार देर रात सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके बाद उनके कंधे में चोट लगी थी। अल सुबह करीब 3:30 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया था। पारस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक आरिफ रहमान ने लालू यादव का मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें ही उन्होंने बताया कि लालू यादव के कंधे में चोट और डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि परेशान होने वाली बात को जनसुराज यात्रा के दौरान गोपालगंज पहुंचे प्रशांत किशोर। बिहार में अपने सियासी जमीन की तलाश में लगे प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में जनसुराज यात्रा कर रहे हैं। इसी के तहत चुनावी रणनीतिकार बीते दिन गोपालगंज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक समाज के प्रबुद्ध नागरिक, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं से जनसुराज की सोच पर संवाद किया। लोगों ने भी प्रशांत किशोर से जनसुराज के बारे में जाना और सभी जरूरी सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए जनसुराज के विचार को विस्तार से बताते हुए कहा कि जनसुराज की सोच के साथ वो लोगों के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं। किशोर ने कहा कि मैं अकेले बिहार को बदल दूंगा, ऐसा नहीं है, जो भी ऐसा सोचते हैं वो गलत है। पिता के जन्मदिन के मौके पर चिराग पासवान करेंगे खास तैयारी। आज रामविलास पासवान के जन्मदिन का मौका है, वहीं आज उनके जन्मदिन के मौके पर लोजपा में भी भव्य तैयारियों का दौर देखने को मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आज जयंती के मौके पर चिराग पासवान इस दिन अपने चाचा के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर में जाकर पिता की मूर्ति का अनावरण करेंगे, तो पशुपति पारस का गुट पूरे बिहार में रामविलास पासवान की जयंती मनाएगा। हाजीपुर ही रामविलास पासवान का भी कार्यक्षेत्र रहा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में हुआ था। नागालैंड में जदयू अकेले लड़ेगी चुनाव। बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगी जदयू अब नागालैंड में अपनी किस्मत आजमाने वाली है। जी हां, आपने सही सुना, जदयू खेमे से आई जानकारी के अनुसार आगामी वर्ष 2023 में नागालैंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें जदयू भी शामिल होने वाली है। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पूरी टीम के साथ नागालैंड का दौरा भी करने पहुंचे थे, जिसके बाद ही बीते दिन पार्टी कार्यालय पहुंचने के साथ ही ललन सिंह ने कहा कि पार्टी वहां पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। ललन सिंह की माने तो 2018 में जदयू नागालैंड में चुनाव लड़ी थी, पार्टी को एक सीट पर जीत भी हासिल हुई थी, साथ ही 5.6% वोट भी मिले थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल शासक औरंगजेब ने 1658 में अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बनाया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद में शाही स्वीकृति मिल गई। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1954 में हुई। बीबीसी ने 1954 में पहला टेलीविजन प्रसारण किया, इसकी अवधि 20 मिनट थी और इसे पहले से बनाकर तैयार किया गया था। भारत की 1968 में पहली पनडुब्बी सोवियत रूस में पहुंची। राजन महादेवन ने 1981 में गणित के पाई के 31,811 अंकों की गणना कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु में डॉल्फिन सिटी का उद्घाटन 1998 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्म 1995 में हुआ। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ और आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिन्हा का निधन 1957 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन रामविलास पासवान का जन्म हुआ था। बिहार में मिले कोविड 19 के 200 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 162 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1169 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 3, बांका में 5, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 32, भोजपुर में 1, दरभंगा में 3, गोपालगंज में 0, गया में 7, कटिहार में 3, खगड़िया में 8, मधेपुरा में 4, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 4, नवादा में 3, पटना में 59, पूर्णिया में 1, रोहतास में 5, सहरसा में 3, सारण में 3, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 1, सुपौल में 3,
वेस्ट चंपारण में एक मामले की पुष्टि हुई। इसके अलावा दो ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 83,413 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 86 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। ऋषभ पंत ने मारी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की एलीट लिस्ट में धाकड़ एंट्री। ऋषभ पंत ने एस्बेस्टन टेस्ट में ऐसा धमाल बचाया कि एक झटके में कई सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर डाले। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर तो उन्होंने कमाल किया ही, लेकिन एक खास मामले में उन्होंने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की बराबरी भी कर ली है। इंग्लैंड में एक ही टेस्ट मैच में शतक और अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में इससे पहले सिर्फ विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का नाम था, लेकिन एस्बेस्टन टेस्ट के चौथे दिन ऋषभ पंत ने भी इस एलीट लिस्ट में धाकड़ एंट्री मारी है। इंग्लैंड में भारत की तरफ से महज 5 ही ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 200 प्लस रन बनाए हैं, और पंत ने इस खास लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है। ट्विटर ने बैन किए 46,000 भारतीय अकाउंट। ट्विटर ने अपनी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मई में भारतीय यूजर के 46,000 से अधिक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने रविवार को अपनी मंथली कंपाइलेंस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की। रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर ने बाल यौन शोषण, नॉन कंसेंशुअल कंटेंट और इसी तरह के कंटेंट के लिए 43,656 अकाउंट को बैन किया है, जबकि 2,870 अकाउंट्स को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बैन किया गया। इतना ही नहीं, ट्विटर ने 115 शिकायतों पर भी कार्रवाई की है जिसमें अकाउंट सस्पेंशन की अपील की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई अकाउंट सस्पेंशन रद्द नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के दो हेलीकॉप्टर ने विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उस समय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने के लिए एयरपोर्ट के पास स्थित एक निर्माणाधीन इमारत की छत से काले गुब्बारे छोड़े, जिसके बाद ही तुरंत इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से ही वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर भीमावरम गए थे। वहां पर उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अल्लूरी की प्रतिमा का अनावरण किया। इंटरसिटी ट्रेनों की जगह इन एक्सप्रेसवे का होगा परिचालन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पिछले दिनों रेलवे बोर्ड ने रात में सफर करने के नियमों में बदलाव किया था। नए नियमों को रेलवे बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया, जिसके बाद अब एक बार फिर से रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। ये बदलाव शताब्दी, जनशताब्दी और इंटरसिटी ट्रेनों को लेकर है। आपको बता दें, इन ट्रेनों में प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करते हैं। अब इन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे इन तीनों ट्रेनों को वंदे भारत एक्सप्रेस से रिप्लेस करने की तैयारी में। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है कुश कुमार यादव, चंदन कुमार यादव, अमर आजाद, रॉकी सिंह, सिद्धार्थ कुमार, ज्योतिष कुमार, श्रवण चौधरी, अनवर करीम खान, सूरज भगत, अतीक खान, राजीव कुमार, ललित कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पर्यटन को विकसित करने में बिहार सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों से आप खुश है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।